मंगलमय थ्री स्टूडेंट स्टूडेंट कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो कल हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है वो उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे कि न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन में होता है ग्रीन प्लांट में होता है। ग्रीन प्लांट को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ग्रीन प्लांट अपना फूड अपना बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसके बारे में कल हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं अपना फूड दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो इनमें एनिमल और ह्यूमन बींग्स आते हैं क्योंकि ये अपना फूड अपना नहीं बनाते हैं अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी में आज हम स्टडी करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स क्या होते हैं द मोड और उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड पैरासिटिक पैरासाइट एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्लांट जो अपना फूड अपने आप नहीं बनाते अपना फूड कहाँ से लेते हैं वो तो ग्रीन प्लांट से लेते हैं या दूसरे एनिमल से। तो अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम पैरासाइट कहते हैं और उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो द ग्रीन प्लांट और एनिमल विच प्रोवाइड द फूड इज कॉल्ड द होस्ट। अब ग्रीन प्लांट और एनिमल जो फूड प्रोवाइड करते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं जिन पर पैरासाइट डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा या इसको अमरबेल भी कहते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा कुछ पीस पर येलो कलर के ट्यूब के स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्यूब की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं बेल होती है जो ट्रीज की ब्रांच पर और ट्रीज के स्टेम पर लिपटी रहती है। तो वो येलो कलर की होती है इसलिए अपना फूड अपने आप नहीं खाते हैं अपने फूड के लिए वो ट्रीज पर डिपेंड। तो कस्कुटा में ऐसा ही होता है इसमें येलो कलर की जो ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है वो ट्रीज की स्टेम पर और ट्रीज की ब्रांच पर लिपटा रहता है वो उसी से अपना फूड प्राप्त करता है। तो इसमें होस्ट कौन हुआ ट्रीज क्योंकि जो ट्यूबलर स्ट्रक्चर है जो बेल है वो ट्रीज से अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इसमें आगे सैप्रोफाइट सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे प्लांट जो अपना फूड उन चीज़ों से प्राप्त करते हैं जो डेड है हम सड़ गए गल गए डेड हो गए ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से जो प्लांट अपना फूड डिराइव करते हैं अपना फूड प्राप्त करते हैं उनको सैप्रोट्रोफ या सैप्रोफाइट कहते हैं। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो उनका न्यूट्रिशन का टाइप है वो क्या कहलाता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल है फंगस। आपने देखा होगा कि जब हम कपड़ों को या जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको हम बहुत दिनों तक ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ पर वातावरण में एटमोसफेयर में नमी मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट तो क्या होता है वो खराब होने लगती है उसमें कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा क्या होता है फंगस ही होता है। ब्रेड को हम अगर हम बहुत दिनों तक रखते हैं फ्रिज में रख देते हैं हम लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखें खाना खराब नहीं होता है लेकिन ब्रेड को हम रखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी एक रुई सी आदि शुरू हो जाती है वाइट वाइट तो वही ब्रेड मोल्ड होता है उसको फंगस कहते हैं। तो ये क्या है इसका एग्जांपल है सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल मशरूम भी इसका एग्जाम्पल है। तो अब फंगस में ग्रोथ कब होती है जब उसको फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जब ऐसा एटमोसफेयर मिलता है उसको जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो
नमी ज़्यादा हो, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, तो जनरली रेनी सीजन में, जो बरसात का सीजन होता है, जैसे बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, तो बरसात के सीजन में जनरली ये होता है कि जो हम खाने पीने की चीज़ें रहते हैं वो खराब होती है, क्योंकि बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में एटमोसफेयर में नमी ज़्यादा होती है, तो नमी की वजह से ही फंगल ग्रोथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? देयर आर टू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इस तरह के प्लांट क्या करते हैं? दीज प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। पीचर प्लांट में क्या होता है? जो लीफ होती है वो मॉडिफाई होती है, मॉडिफाई होकर एक पीचर का रूप ले लेती है। पीचर में घड़ा, घड़े का रूप ले लेती है। तो उसका जो अपेक्स फॉर्म, अपेक्स होता है लीफ फॉर्म का, वो एक उसका एक कवर बना होता है। तो जब कोई इंसेक्ट लीफ के ऊपर आकर बैठता है तो वो जो उसका कवर होता है, लीड, जिसको लीड भी कहते हैं, वो खुल जाता है। और जब वो खुल जाता है और इसके जो अंदर क्या होते हैं, पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं, तो वो जो इंसेक्ट होता है वो उन हेयर में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। जब वो फंस जाता है तो उसका जो पिक्चर का जो मुंह होता है, कवर होता है, वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप भी है।